गारंटी देती हूँ इस वीडियो की, अगर कोई भी दो टिप्स आपने आजमा ली ना, तो डेफिनेटली वो अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाएगी। अपना दिल, अपना इमोशन, अपनी लॉयल्टी, एवरीथिंग, सारी चीजों को आप ध्यान से सुनना और जरूर से फॉलो करना। अक्सर बंदों की शिकायत होती है कि मेरी बंदी मेरी सुनती नहीं है, या फिर लड़की जो मुझे पसंद है, जो मेरी क्रश है, उससे मैं वो सारी चीजें कैसे लूं जो एक प्यार में लड़की देती है। तो कैसे सारी चीजें आप उनसे लो? देखिए, सारी चीजों को लेने से पहले, यानी कि जो जो चीज आप उनसे प्यार में चाहते हो, उसके लिए सबसे पहले तो भरोसा जीतना होगा ना। आप किसी से बात भी तभी करते हो जब सामने वालों को आपसे, आप पे भरोसा, या फिर आपको उससे भरोसा हो। किसी चीज को शेयर करने के लिए भरोसा बहुत जरूरी होता है। लॉयल हो, लॉयल रहना चाहते हो, लॉयल्टी दिखाओ, शो करो कि आप लॉयल हो। अब लॉयल्टी को शो कैसे किया जाए? लॉयल लिख के दिखा दूं? ऐसा कुछ नहीं है। लॉयल्टी शो करने के लिए लड़कियां बहुत चीज एग्जामिन करती हैं, आप में नोटिस करती हैं। सबसे पहले आपको देखती है कि क्या आप किसी दूसरे बंदी को ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप किसी और लड़की से ज्यादा चिपका चिपकी कर रहे हो, तो बिल्कुल भी लॉयल्टी फील नहीं करेगी। या फिर आप उनके सामने वैसी हरकतें करना जो चीप लगती है, वो बिल्कुल ना करें। जरूरत से ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करना, झूठ बोलना, और लड़कियों के साथ ज्यादा घूमते हुए अपनी फोटोज, पिक्चर्स पोस्ट करना, इससे रिस्पेक्ट भी जाती है और भरोसा भी होता है। तो उसके साथ भरोसा बिल्डअप करने के लिए उसके साथ सारी बातें शेयर किया करें जो आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है। तो जब आप शेयरिंग करना शुरू करोगे, तो उस पर आपका भरोसा जो वो करना चाहती है, जो लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं आप उनको, वो जरूर उनको फील होगी। नेक्स्ट है तारीफ करना। देखो, लड़कियों को तारीफ काफी पसंद होती है, किसको तारीफ नहीं पसंद होगी यार। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि तारीफ आप किस तरीके से करते हो। बहुत सारे लोग ना उनकी ब्यूटी की तारीफ करते हैं, लेकिन ब्यूटी के साथ उनके ब्रेन की भी तारीफ करो, उनकी क्वालिटीज की तारीफ करो। ये सारी तारीफ कुछ अलग होनी चाहिए जो उसे सुनने में अच्छा लगे और आपको दूसरे लड़कों से थोड़ा अलग बनाए, जिसकी वजह से वो आपकी सारी बातों को सुने, समझे, एडमायर करे, अप्रिसिएट करे और आपके साथ सारी चीजें भी शेयर करे। आई लव यू कहना, आई लव यू कहना कॉमन है ना, हर कोई चलते चलते आई लव यू कह देता है। मीन्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में लड़की को बार बार आई लव यू मत कहो, आई लव यू फील कराओ। जब आप आई लव यू फील कराते हो, अपने प्यार को फील कराते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो, गिफ्ट देके, उसे प्रपोज करके, उसे छोटी छोटी चीजें देके, या फिर यूं ही इमोशनली उसे आई लव यू कहके। जब आप आई लव यू फील कराते हो, काफी समय के बाद कहते हो, तो उसे फील भी होता है, याद भी होता है, और आपका जो प्यार है, आपका प्रपोजल या फिर आई लव यू, उसे फेक नहीं लगता। नो डाउट लड़कियों को घूमना फिरना काफी पसंद है, तो लड़कियों को थोड़ा घुमाओ। आप जिसे पसंद करते हो उसके साथ समय बिताओ, तभी तब उसके बारे में जान पाओगे और अपनी क्वालिटीज भी उसे दिखा पाओगे। उसको हग करना, देखिए हग करना एक इमोशनल बॉन्डिंग को दिखाता है, लेकिन कई बार लोग कहते हैं हग बहुत अजीब तरीके से करते हैं। हग जरूर कीजिए, गले जरूर लगाइए, इमोशनल मोमेंट पे उसे इमोशनल होने चाहिए। जब वो इमोशनल होगी तभी आपसे इमोशनल अटैचमेंट होगी, तभी आपका प्यार का जो किस्सा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। उसके डिसीजंस पे उसे सपोर्ट करना, लड़कियों को सपोर्ट करना, सपोर्टिव होना और सपोर्टिव बंदे काफी पसंद है। लड़के ऑलवेज अपना चलाना चाहते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उनकी भी चीजों को सुनिए और उसके बाद ही आप अपनी मैच्योरिटी को दिखाइए कि किस समय में कौन से डिसीजन आपको लेनी चाहिए। अपनी मैच्योरिटी को जब आप दिखाओगे तो लड़की आप पे भरोसा करेगी, एज अ फ्यूचर हस्बैंड की तरह आपको देखेगी। फ्लर्ट करना, देखिए आप फ्लर्ट कीजिए, लेकिन एक क्यूट सा फ्लर्ट होता है ना, जो आपके उसके साथ कर सकते हो। नोटी बातें करें, लेकिन सही समय पे करें। ऐसा नहीं कि आप हमेशा नोटी बातें ही करें, नोटी बातें भी लड़कियों को पसंद होती हैं। किसी चीज के लिए जोर जबरदस्ती ना करें, जल्दीबाजी ना करें, बात करें किस करने की, हाथ पकड़ने को लेकर, या फिर उसके साथ इंटीमेसी क्रिएट करना, इंटीमेट होने तक को लेकर, उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि आप उस पर कूद पड़े। ऐसे में कोई भी लड़की आपसे बात तक नहीं करेगी, और जितना बात बनी है उतनी भी बात बिगड़ जाएगी, और वो आपसे पास आने को तो छोड़ो दूर चली जाएगी। होप सो कि वीडियो में आपको जो टिप्स बताए गए हैं वो पसंद आए होंगे। कमेंट में अपने पार्टनर का नाम जरूर लिखना, एक छोटा सा हार्ट उसके नाम पे जरूर देना। थैंक यू सो मच।